दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों, सुपर हिट कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के रोल के लिए जिस एक्टर को फाइनल किया गया है उसका नाम है राज अनंतकट। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, शो मेकर्स ने इस कॉमेडी सीरियल में टप्पू के रोल के लिए फाइनली राज को सिलेक्ट कर लिया है। राज की एज 19 साल है और ये मुंबई के मलाड के रहने वाले हैं। दोस्तों, शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने कहा है, हम काफ़ी दिनों से टप्पू के रोल के लिए किसी नए एक्टर का ऑडिशन कर रहे थे और इसी के साथ हम टप्पू को जाने से रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन भव्य गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने शो से क्विट कर दिया, जिसके बाद हमने अब राज को टप्पू के रोल के लिए साइन कर लिया है, जो कि एक बहुत गुड लुकिंग और टैलेंटेड एक्टर है। दोस्तों, उसके बाद वो आगे बताते हैं कि टप्पू के शो को छोड़ने के फैसले से वो काफ़ी दुखी थे। वो कहते हैं, कई बार इंसान अपने आप को शो से बड़ा समझने लगता है और टप्पू ने भी यही किया। गुजराती फिल्म साइन कर ली और हमको बताया तक नहीं। दोस्तों, अब राज के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी कास्ट एंड क्रू ने शूटिंग भी शुरू कर दी है और कुछ एपिसोड शूट भी हो चुके हैं। राज अनंतकट अभी मुंबई के ही कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया की डिग्री कर रहे हैं। शो के मेकर्स इसे टप्पू के बर्थडे वाले दिन इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और ये एपिसोड अगले हफ्ते ऑन एयर होने वाला है। असित कुमार मोदी कहते हैं कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में मेरा फोकस टप्पू सेना की कॉलेज लाइफ पर ही रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ समय पहले हमने बताया था कि भव्य गांधी जो टप्पू का रोल प्ले कर रहे हैं वो शो को छोड़ने वाले हैं। इसकी वजह भी बताई थी कि वो कुछ नया और चैलेंजिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने गुजराती मूवी साइन की है जिसमें केतकी दवे और मनोज जोशी भी उनके साथ रोल कर रहे हैं। भव्य गांधी का कहना है, हाँ, मैंने जनवरी में ही शो छोड़ दिया था। मेरी 8 साल 8 महीने की जर्नी बहुत ही फायदेमंद थी। मैंने तारक मेहता की पूरी टीम के साथ बहुत एंजॉय किया है। दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला है मुझे। मैं उन दर्शकों से चाहता हूँ कि वो मुझे मेरी आने वाली फिल्म के लिए सपोर्ट करें। दोस्तों, आपको बता दें कि भव्य गांधी पिछले 8 साल से ज़्यादा समय से सीरियल से जुड़े हुए थे और उनका इस तरीके से अचानक से जाना सबके लिए एक झटके की तरह था। इधर राज सोनी टीवी के सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में भी नजर आ चुके हैं, जिसमें उनके रोल के लिए दर्शकों ने काफी तारीफ की थी। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि राज टप्पू की कमी को कैसे पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।